हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे मजे में होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे मजे में होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे आज की जो मेरी रेसिपी है वो है आलू गोभी मटर की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है और रेस्टोरेंट स्टाइल में है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मैंने पानी में गोभी को कट करके डाल दिया है उसमें फिर मैं नमक ऐड कर दूंगी जिससे कि जितने भी जो डर्ट होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो ईज़िली गोभी से बाहर आ जाए और इसमें थोड़ा बॉयल आने तक गोभी को थोड़ा बॉयल करेंगे स्टीम करेंगे जिससे कि सारे कीड़े मकोड़े डर्ट सब निकल जाए पानी में फिर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और मैंने सब्जी काट रखा है आलू चार चार मीडियम साइज़ के दो से तीन हरी मिर्च लहसुन गार्लिक मैंने छिल कर रखा है प्याज को मैंने कट करके रखा है और टमाटर मैंने मीडियम साइज के कट के रखे हैं उसके बाद चलिए पेस्ट रेडी कर लेते हैं मसाला सब्जी के लिए तो मैंने आठ से नौ कली ले ली है लहसुन की एक मीडियम साइज का मैंने प्याज कट कर करके कर रखा है और ग्रीन चिल्ली मैंने कट कर, कर लिया है और उसके बाद वन टी धनिया का पाउडर और वन टी रेड चिली पाउडर और वन टीस्पून मैं काली मिर्च ऐड करूँगी वन टीस्पून जीरा और अदरक को मैं थोड़ा कट कर लूँगी और पानी पेस्ट बनाने के लिए ऐड कर लेंगे देखिए मेरा एकदम फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो गया है इसी तरह का आपको पेस्ट बना लेना है उसके बाद कढ़ाई में मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी फोर टेबल स्पून आप कोई भी तेल यूज़ कर सक एक कप मटर में ले लूँगी और उसे पानी में डालकर छोड़ दूँगी कुछ मिनट के लिए उसके बाद मैं गोभी को अलग करके जो रखी हूँ उसको आ, ये तेल में भून लेंगे जब तक इसका जो कलर है चेंज ना हो जाए ब्राउनिज़ हल्का हल्का देख सकते हैं कि जो हमारा जो गोभी है हल्का ब्राउन हो गया है इसे हम बाहर निकाल लेंगे उसके बाद इसी तेल में अगर आपका तेल थोड़ा बच रहा है तो इसी में आपको आलू भी भून लेना अगर तेल थोड़ा कम है तो आप एक्स्ट्रा तेल ऐड करके उसमें आलू को हम तीन से चार मिनट के लिए थोड़ा सुनहरा होने तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम में तो देख सकते हैं कि मेरा आलू जो है अभी का सीज़न में जो ठंडे के टाइम में इसी तरह का आलू आता है नया आलू रेड uh, टाइप का इसको तीन से चार मिनट के लिए भून लेंगे उसके बाद देख सकते हैं कलर चेंज हो गया आलू का इसे बाहर बाहर निकाल लेंगे उसके बाद अगर आपका एक्स्ट्रा तेल बच गया है तो उसी में आप मसाला रेडी कर लीजिए अगर कम है तो उसमें थोड़ा और तेल ऐड करेंगे और इसमें वन टी आपको जीरा ऐड करना है कुछ खड़े गर्म मसाला अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं जब हमारा जीरा हल्का तड़क जाए उसके बाद जो हमने ये प्याज को चॉप करके रखा है उसे ऐड कर देंगे आप दो से तीन इसमें प्याज ज़्यादा जाएगा तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट देना बनता है इसमें जो प्याज का है थोड़ा महीन काटिएगा जिससे लच्छे निकल जाए प्याज को मैं तीन से चार मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में भूनूंगी जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए आप देख सकते कि जो हमारा प्याज है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया इसका कलर जो चेंज हो गया जब हमारा प्याज अच्छे से भून गया उसके बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया है मसाले का उसे ऐड कर देंगे देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट रेडी हुआ है और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा जार में जो मसाले लगे रहते हैं उसमें थोड़ा पानी ऐड करके उसे थोड़ा धोकर इसमें ही ऐड कर देंगे और इसे तीन से चार मिनट मिनट के लिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है उसके बाद हाई फ्लेम मसाला को पूरा जलाना नहीं है जब तक इससे जो तेल रिलीज ना हो जाए तब तक इसे भुनना है उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी मैं वन एंड हाफ़ टी स्पून वन टी स्पून में रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी ये ज़्यादा तीखी है इसीलिए मैं थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ बैलेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कितना तीखा खाना है उस हिसाब से आप मिर्च का जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल भून कर रेडी हो गया है जब हमारा मसाला से तेल रिलीज़ हो जाए उसके बाद इसमें टमाटर जो हमने चॉप करके रखा है उसे ऐड कर देंगे और उसके बाद नमक ऐड कर देंगे नमक ऐड कर देंगे जैसे ही आप टमाटर यूज़ ऐड करिएगा वैसे ही आपको नमक ऐड करना है इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बहुत जल्दी जो हमारा टमाटर है गल जाता है बहुत जल्दी कुक हो जाएगा और बिल्कुल थिक एक पेस्ट बन जाता है तो इसी तरह लगातार तीन से चार मिनट के लिए इसे भी मीडियम फ्लेम में आपको भूनना है चाहे तो इसे ढक कर भूनिए इससे और जल्दी कुक होता है और हमारा गैस भी बच जाता है तो जब हमारा मसाला जो है बिल्कुल तेल रिलीज कर दिया अच्छे से भून गया है उसके बाद जो मैं मैंने मटर को साइड करके धो कर रखा था उसे ऐड कर दूंगी और एक से दो मिनट के लिए इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में भून लूँगी इससे क्या होता है जो फ्लेवर होता है मसाला का वो सारे सब्ज़ी में आ जाता है उसके बाद जो हमने गोभी और आलू को भून कर रखा है फ्राई करके उसे भी ऐड कर देंगे और इसे दो से तीन मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम में भूनेंगे जिससे कि जो ग्रे मतलब कि जो मसाला है वो इसमें अच्छे से कोट हो जाए और जितना भी फ्लेवर है मसाले का वो सारे अच्छे से हम गोभी आलू और मटर में आ सकें तो देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है कितना अच्छे से कलर हो गया है मसाला का और गोभी आलू भी बिल्कुल मिल गया है मसाले में उसके बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं मैंने अभी हल्का कम नमक ऐड किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो बार नमक ऐड किया है इसीलिए मैं बैलेंस करके नमक ऐड कर रही हूँ और उसके बाद आपको कैसा ग्रेवी खाना है उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है मैंने हाफ लीटर पानी ऐड किया है क्योंकि हमारा जो सब्ज़ी है आधा भूनते टाइम ही कुक हो जाता है तो ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पानी ऐड करिएगा तो जो गोभी है बहुत जल्दी गल जाता है इसीलिए पानी का जो क्वान्टिटी है बिल्कुल बैलेंस करके डालना है और उसके बाद गर्म मसाला मैं वन टेबल स्पून ऐड करूँगी और इसे तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करना है जब हमारा जो सब्ज़ी में जब बॉईल आने लगे तो इसे चार से पाँच मिनट के लिए हाई फ्लेम में आपको कुक करना है क्योंकि ज़्यादा लो फ्लेम में कुक करने से जल्दी ये सब गल जाते हैं तो हाई फ्लेम में इसे कुक करेंगे देख सकते हैं कि जितना भी तेल है वो किनारे किनारे आ गया हमारा जो आलू गोभी मटर का सब्ज़ी है बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो जल्दी से बनाकर ट्राई करिए और टेस्टी टेस्टी खाना खाने का मौका लीजिए और इसी सब्जी के साथ खा लेते हैं हम ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था तो इसे रोट रोटी के साथ खाने में ज़्यादा मजा आता है तो मैंने फटाफट रोटी आटा गूँध के रखा था और मैंने रोटियाँ सेक ली हैं और आप चावल के साथ भी खा सकते हैं पराठा के साथ भी खा सकते हैं किसी भी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में खाने के बाद आपको खुद में महसूस होगा कि क्या रेसिपी है रितु अच्छा दीदी अपना मुँह कर रही हो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए फॉर दी नोटिफिकेशन तभी आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए बिना लाइक करिए ना जाए अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और अगर आपको किसी तरह का भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ऑन अ कमेंट सेक्शन मेरा सेक्शन कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ रहता है आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय